मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जनपद पंचायत बड़नगर क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण विकास विभाग का जनपद पंचायत ग्राम पंचायत स्तरीय अमले द्वारा अपनी विभिन्न आर्थिक मांगों का निराकरण 7 दिवस में किए जाने हेतु मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन अनुभागीय अधिकारी कार्यालय बड़नगर में नायब तहसीलदार नवीन सल्होत्रे को सौंपा गया। पंचायत विभाग के समस्त अधिकारी अपनी अनार्थिक मांगों का निराकरण शासन द्वारा न किए जाने से 4-5 वर्षों से परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर सभी पंचायत के संगठनों द्वारा संयुक्त मोर्चा गठन किया गया है। जनपद पंचायत, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक द्वारा 1 दिवसीय का सामूहिक अवकाश दिया गया। मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन अनुभागीय अधिकारी बड़नगर नायब तहसीलदार को सौंपा गया। बड़नगर शहर से राधेश्याम सावरा की रिपोर्ट। और क्या है आपकी मांग? सर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा 12 विभागों के हम संयुक्त मोर्चा तैयार हुआ है हमारा, और हमारी लगभग करीब 10 साल तो पिछले विगत 10 वर्षों से हमारी जो मांग है, शासन हमारी मांग नहीं सुन रही है, उसके कारण हमने संयुक्त मोर्चा बना के आज माननीय अरुण भाई के अधिकारी मोदी को ज्ञापन प्रेषित करा है। क्या क्या ज्ञापन प्रेषित करा है? क्या क्या मांग है आपकी? प्रमुख मांग सर हमारी जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सचिवों की जो है वेतन वृद्धि को लेके है, और ग्राम रोजगार सहायक जो कि अल्पकालीन 9,000 में 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, और कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करी हम लोगों ने, उसके बाद भी शासन हम लोगों को सिर्फ 9,000 देते हैं और अंशकालीन हमको संविदा घोषित कर रखा है। जनपद कार्यालय में ताला लगाया गया है जी। आज संयुक्त रूप से सामूहिक अवकाश लेके हम जितने भी 12 समूह के संगठन है, 12 नहीं हड़ताल का आज निकले।